भागवत का शुरुआत देखो, बोले सत्यं परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को, हम सबके सब वो परम सत्य को ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए आप जहां जहां देखोगे सबसे पहले ये शरणागति आए, इसलिए पहले शरणागति हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर तो आगे धीरे 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 भक्ति जगत में हम बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहला शब्द है नमामि, बोले भैया किसको प्रणाम कर रहे हो, बल्कि ईश्वरम, कहते हम श्री ईश्वर को प्रणाम करते हैं। बोले भैया ईश्वर का मतलब क्या होता है, बोले ईश्वर का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जह शक्यते सैव ईश्वर, मतलब हे को जो नहीं और नहीं को जो हे कर सकते हैं, दीन को जो रात, रात को जो दीन कर सकते हैं, मरा हुआ व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं, जिंदा हुआ व्यक्ति को जो मार सकते हैं। लेकिन अभी हम जिसको जिसको ना भगवान साई बाबा भगवान, हमको भगवान भगवान बोल करके सबको पीछे पीछे हम भाग रहे हैं, नहीं भगवान सभी नहीं हो सकते, वो ईश्वर होनी चाहिए। असंभव वस्तु को जो संभव कर सकते, गिरिराज को उठा सकते हैं, गिरिराज देखे हो सबके सब कितने बड़े गिरिराज है। अभी जो भगवान कह रहे हैं एक 10 क्विंटल पत्थर ला कर सर पर रख दो तो सारे भगवान निकल जाएंगे। भगवान काली के सर पर नृत्य किया, जहाँ पानी उबलता था किसको मुंह में तरह विष डाल दो फिर सारे भगवान निकल जाएंगे। भगवान तीन बार भगवान अग्निपान किया, अब जिसको भगवान कहते हो मुंह में तरह आग लगा दिखा, मुंह में तरह आग लगा। इसलिए हम बेवकूफ मूर्ख है, भगवान के संबंध में कुछ जानते नहीं, इसलिए जिसको जिसको पीछे भगवान भगवान कर करके हम भागते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए नमामि ईश्वरम, यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये नमामि ईश्वरम शब्द ये प्रयोग करते हैं, कहते भक्ति दो तरह का है, कहते एक है वैदिक भक्ति और एक है राग भक्ति, भक्ति दो तरह का है। मतलब वैदिक भक्ति किसको कहते हैं, बोले शास्त्र शासन को मानते हुए जो भक्ति करते हैं। देखो ये मानव शरीर 84 लक्ष जन्मों के बाद में मिला, अगर इसी जीवन पा करके भजन नहीं किया फिर वही गद्दे सुअर होकर के पेड़ पौधा बन करके तुम्हें पुनः उसी 84 लक्ष जन्म में अटकना पड़ेगा। ठाकुर जी 2 बार ये मानव शरीर नहीं देंगे तुम्हें, इसलिए बड़ी भाग माँ न सतन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। इसलिए जिस देवता के जिस शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं तब भी ये मानव शरीर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अगर एक बार अगर ये मानव शरीर तुम्हारी गया फिर तक गया तुम्हारी सावर जीवन, फिर भगवान मानव शरीर नहीं देंगे। वो कहते हैं ना हर किसी जीवन में भोग कर लो अगले जीवन में देखा जाएगा, बोले नहीं बोले तेत ईष्ट बिनो हेतु सने। गोस्वामी जी कहते हैं ये मत समझो तुम्हारी भाग्य से कोई मानव शरीर मिला, बोले देत ईस बिनो हेतु सने ही, ठाकुर तो कैसे कृपा करके तुम्हें मानव शरीर दे दिया। जगत में इतने जगत में जीव है, एक ग्लास के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, उसको इतने पृथ्वी में इंसान तभी बने, एक ग्लास के अंदर में इतने बैक्टीरिया रहते हैं, उसी हिसाब से मानव शरीर कितना बहुत कम है, है? इसलिए क्या करनी चाहिए, ये मानव शरीर रहते हो ये चुक नहीं जाए, ये चुक नहीं जाए। कल हम लोग सुन रहे थे ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जो मंदिर में आए उनकी माता जी का अंतिम समय था, माता जी शरीर छोड़ने वाले, उनकी घर से एक पत्र आया, उनकी घर से एक पत्र आया मंदिर में, बोले विनोद अभी मैया मरने वाली है, ये अंतिम समय है मरने वाली है, लास्ट एक बार तू देख करके जाने। ये पत्र आया प्रभुपाद के पास, फिर प्रभुपाद ने उन्होंने बुलाया विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को, बोले देखो तुम्हारी घर से पत्र आया है तुम्हारी माता जी के अंतिम समय, अभी एक बार तू कभी मिल करके जा, एक बार तू मिल करके चलेगा। देखो गुरु जी बोल दिए लेकिन वो गए नहीं, वो गए नहीं, जब गए नहीं
तब उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करने के लिए आए बोले विनोद बोले कहाँ उसको बुला उन्होंने बुलाया बोले तुमने घर में नहीं गया तेरे गुरुदेव बोल दिए तब भी नहीं गए बोले तुमने घर में क्यों नहीं गया बोले गुरुदेव ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान की गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा भगवान को अनादि काल से हम भ्रमण छोड़ करके अनादि काल से ये 84 लाख जीवन में हम अटक रहे हैं कभी पेड़ कभी पौधा कभी जानवर कभी कीड़े मकोड़े ऐसे हम भटक रहे हैं और बड़े भाग्य से कहा आपके चरण दर्शन हमें प्राप्त होते हैं आपके दर्शन में मिला इसलिए कौन भाग्यवान जी विशेष सौभाग्यवान व्यक्तियों को सदगुरु लाभ होता है अगर मैं तो ये अगर फिर मैं घर में जाऊं अगर माता जी अंतिम समय में अगर ये बता दे बेटा अभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देखने के लिए कोई है ही नहीं वो दो भाई सन्यासी है भक्ति केवल ऑर्डर गोस्वामी महाराज की सगे भाई है इसलिए अगर माता जी अंतिम समय में बोल दे वो बड़े जमींदार थे अभी जमींदार देखने के लिए कोई है नहीं ये जमींदारी को तू देख ले अगर वो अंतिम समय में बोल दिया तो अभी मैं क्या करूँ बोले सकल जन्म सबे पिता माता पाए ऐसे कौन सा जन्म नहीं जिस जीवन में जन्म लेने पर ही पिता माता नहीं मिलते हैं लेकिन कृष्ण गुरु नहीं मिले लेकिन गुरु जी कृष्ण ये सहज में नहीं मिलते हैं इसलिए हृदय से भक्ति करनी चाहिए इसलिए गुरुदेव आपका श्री चरण में आया मैं दो बार घर में वापस जाना नहीं चाहता हूँ दो बार वापस जाना नहीं चाहता हूँ इसलिए कहते भक्ति दो तरह का एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति दो तरह का भक्ति है इसलिए कहते जो वैधि भक्ति इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते इसलिए जो नमामि मतलब शरणागति यहाँ पर शरणागति हम ईश्वर जी की चरण में शरणागति हो रही है इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश जब हम ठीक ठीक रूप में ये वैधि भक्ति को हम जाजन करते हैं है? ये वैधि भक्ति को ठीक ठीक रूप में अगर हम जाजन करें फिर क्या होगा फिर धीरे धीरे ये वैधि भक्ति जाजन करते करते जैसे रोज मंगलारती में आना रोज कीर्तन करना रोज हरि कथा सुनना रोज ठाकुर को सेवा करना रोज यहाँ बैठ करके माला जप करना करते 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 क्या हो रहा है हमारे हृदय में ना वो रेखा पात कर रहा है ये लाइन खींच रहे करते 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 ऐसे हो जाता है बात सवेरे होते ही मंगलारती पहले अपनी आप भूल जाती है लेकिन घर में 4 बजे कोई उठते 7-8 बजे सब उठते लेकिन मंदिर में 4 बजे उठ जाते बोले कैसे बोले संगत है अभ्यास है इसलिए कृष्ण बोले अभ्यास जो मैंने पहुंचते वो अभ्यास को धरा ये सारे काम अभ्यास से ये सारे काम होता है इसलिए ये अभ्यास करते 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 मूढ़वत भी पंडित बन जाता है मूढ़वत भी पंडित बन जाता है इसलिए यहाँ पर बोले विधि मार्ग रत जने जो ये विधि मार्ग को जो सही सही पालन करेगा सही सही अगर कोई पालन करे रोज तिलक लगाना अंजलि करना नाम करना ये धीरे 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 ये स्वभाव में परिणत हो जाता है यही चीज अगर हम मंदिर में जाकर अगर मंदिर के नियम पालन नहीं करेंगे आरती में नहीं आओगे कीर्तन में नहीं बैठोगे हरिनाम नहीं करोगे सेवा नहीं करोगे फिर क्या होगा फिर तुम्हारी स्वभाव बिगड़ते जाएगा बिगड़ते जाएगा इसलिए ये चीज को एकदम कठोर रूप में ये चीज को पालन करनी चाहिए ये चीज को बहुत अच्छे तरह से हमें पालन करनी चाहिए अभी ये चीज को इसलिए फिर स्वाधी लता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं फिर भगवान उसको क्या कहते हैं बोले स्वाधी रत्न रत्न दाने फिर उनको स्वाधीनता रूपी रत्न को प्रदान करते हैं फिर स्वाधीनता रूपी रत्न को प्रदान करके राग मार्गे करान प्रवेश फिर उसको ठाकुर जी धीरे 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 जो राग मार्ग मतलब जो स्वाभाविक रूप में बिना किए रह नहीं सकते अगर मंगलारती में नहीं आएंगे तो है एक दिन अगर कोई कार में किसी उनको धिकार लगेगा
अगर एक भी अगर माला पूरी नहीं कर पाई भिकार लगेगा, हाय रे आज हमने माला पूरी नहीं कर पाई, आज हमने कथा नहीं सुनी, आज हमने कीर्तन नहीं सुना। अगर हृदय में अगर ये भावना आए ना, फिर समझना भैया कुछ हो रहे, नहीं तो सो रहे हैं, सो रहे हैं, बात सबके सब हो गया, कीर्तन पाठ सो रहे हैं, बात आराम से अपने आप उठे, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? तुम्हारी भजन भजन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर खाने और सोने के लिए आए और कोई काम के लिए, भजन से तुम्हारी कोई मतलब नहीं तुम्हारी से, हाँ? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए अभी हमें स्ट्रांग रूप में ये वैध भक्ति को हमें बहुत अच्छे तरह से हमें जाजन करना पड़ेगा। जब जितने अच्छे तरह से ये वैध भक्ति को अच्छे तरह से जाजन करेगा, उसको धीरे 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 करान प्रवेश, करान प्रवेश मतलब खुद घुस नहीं जाओगे, करान मतलब ठाकुर जी उसको धीरे 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 राग वर्ग में प्रवेश कराएंगे, अपने आप घुस नहीं जाओगे। इसलिए अनधिकार चर्चा करके अपने आप गोपी मंजरी सखी नहीं बन जाओगे, ठाकुर जी तुम्हें प्रवेश कराएंगे वो चीज है। इसलिए कहते नमामि स्वरम सती कौन है बड़े सचिदानंद, इनका जो शरीर है तीन चीज से बना हुआ है, सत चीत और आनंद है। ये तीन चीज से भगवान बने हुए, हमारा शरीर किस चीज में बनी हुई, किति जल पाप गगन शरीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, हमारी अधम शरीर है, मिट्टी वायु जल आकाश से बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर सत चीत आनंद, सत अंश शरीर संधि शक्ति अधिष्ठान देवता बलदेव प्रभु, चीत शक्ति स्वज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण और लादिनी शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा रानी, ये तीनों में भगवत स्वरूप बना हुआ है। अगर सत और आनंद को निकाल कर रहेगा चीत और ज्ञान स्वरूप में वो केवल निराकार निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन जब उनके साथ में राधा रानी हो तभी तो पूर्ण राधा रानी हो, तभी वो पूर्ण है, राधा रानी के बगैर कृष्ण पूर्ण नहीं। इसलिए बोले सचिदानंद रूपम बोले लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, कहते विशेष करके कृष्ण का कान में जो कुंडल बड़े शोभायमान हो रहा है, कहते कृष्ण का जितने श्रृंगार में सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार कौन है, कहते कान का जो कुंडल। कारण क्या बोले कारण है, अब देखना जब व्यक्ति हिलता है ना ये कुंडल भी हिलता है, और कुंडल जब हिलता है कृष्ण का जो कपल जो गाल को स्पर्श करता है, मानो ये कुंडल बारंबार भगवान की कपल को गाल को चुंबन कर रहा है, भगवान की हाँ गाल को बारंबार ये चुंबन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताए लसत कुंडलम है, जितने श्रृंगार में विशेष करके कुंडल की विशेष विशेष महिमा थी, कुंडल की महिमा है। इसलिए गोकुल भ्राजमानम यहाँ कह रहे हैं, वो यद्यपि सर्वत्र सुंदर है, उनका तीन रूप है, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतर, इनके तीन स्वरूप है, पूर्ण रूप में द्वारका में, पूर्णतर रूप में मथुरा में, और पूर्णतम रूप में कहाँ वो वृंदावन में। इसलिए यद्यपि वो भ्राजमान शोभायमान है, लेकिन वो पूर्ण रूप में कहाँ शोभायमान, गोकुल में कृष्ण जब होते हैं वो पूर्ण रूप में शोभायमान है। इसलिए हम कृष्ण कैसे गोकुल में पूर्ण रूप में शोभायमान होते हैं और क्यों नहीं, ये चीज हम कल सुनेंगे। कल तो हम लोग जाएंगे परिक्रमा में, बाहर परिक्रमा है, परसों फिर हम परसों सुनेंगे क्यों वो गोकुल में ही पूर्ण रूप में विराजमान है, दूसरे जगह पर क्यों नहीं, हम ये बात को कल सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो हम शाम को यहाँ पर 4:30 बजे लेकिन कथा हिंदी बंगला दोनों में बोलेंगे, अभी तो सवेरे केवल हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, ठीक है, और शाम को हिंदी थोड़ा बोलेंगे और ज्यादा बांग्ला बोलेंगे। अभी बिकाले एकदम 4:30 का समय देखा नहीं, बांग्ला भाषा से हम केवल बांग्ला भाषा कथा बोलो, एक जन सब भक्त देर बोल देगा। ठीक है, गौर प्रेमानंदे।